वेलकम टू कर्मेंको एजुकेशन, स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कर्मेंको एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2020 से लिए गए इम्पोर्टेंट MCQs। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ जो है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप इस वीडियो का जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है। ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या स्क्वाश। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, बैडमिंटन। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयता ताकाहाशी ने जो है हाल ही में बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। और ताकाहाशी ने जो है मासू तोमो के साथ मिलकर जो है 2016 में रियो ओलंपिक में जो है डेनमार्क की क्रिस्टिना पेडरसन और जो है कमीला रिटर जूहल को हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था। और आयका ताकाहाशी ने अपनी जोड़ीदार मिसाकी मासुतोमो के साथ जो है ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल भी दिलाया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दिल्ली। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, दिल्ली नगर पालिका परिषद ने जो है 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की जो है श्रेणी में पहला स्थान जो है हासिल किया है। और NDSC MC क्षेत्र में जो है लुटियंस दिल्ली शामिल है। और इसमें जो है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे जो है महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्त की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज की फ्री सिटी की रैंकिंग में सबसे जो है पहले से ही मिली हुई है। इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे। मैप में जैसे कि देख पाएंगे दिल्ली, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत के मैप में जो कि दिल्ली यहाँ पर स्थित है। जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी जो यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बना था। जो कैपिटल है इसकी वो है न्यू दिल्ली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। और देख पाएंगे बॉर्डर शेयर करता है ये अपना उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के 7 जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है इसका सी, नेपाल। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल से, नेपाल में सुनहरे खोल के 7 जन्मे एक कछुए की जो है खोज हुई है। और इसका जो रंग है यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है जो उसके जो है पिगमेंटेशन को बदल देता है। और नेपाल की टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि नेपाल में इस कछुए में जो है क्रोमेटिक ल्यूजियम का यह नाम पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। और वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देव कोटा ने यह भी कहा कि इस कछुए का जो है नेपाल धार्मिक और संस्कृति महत्व है। इसे जो है नेपाल में विष्णु का जो है अवतार भी माना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है। ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। करेक्ट आंसर है इसका बी, दूसरे स्थान पर। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में जो है बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है, जिसमें के शीर्ष 10 में से जो 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। इट मीन्स जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में जो है 10 तक की जो रैंकिंग है उसमें 3 इंडियंस बल्लेबाज शामिल हैं, जिसमें से कि दूसरे स्थान पर जो है यहाँ पर विराट कोहली हैं। और विराट कोहली के साथ जो है 886 अंक के साथ जो दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।
और जो है जबकि चेतेश्वर पुजारा जो है 766 और अजिंक्य रहाणे जो है 726 भी जो है बल्लेबाजी सूची में क्रमशः 8वें स्थान पर हैं। और वहीं जो पहले स्थान में इस सूची में जो स्थित है वो है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है कांगो, घाना, केन्या या माली। करेक्ट आंसर है डी, माली। डिटेल देखेंगे, डिटेल से पश्चिम अफ्रीका देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने जो है अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात जो है इस्तीफा दे दिया। और देश के एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में जो है विद्रोही सैनिकों ने जो राष्ट्रपति आवास का जो घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। और राष्ट्रपति कीता के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की जो है मांग की जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है। ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 31 दिसंबर 2020 या 30 नवंबर 2020। करेक्ट आंसर है इसका बी, 31 अक्टूबर 2020। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स हैं सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए जो है ऑनलाइन जो है नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक जो है कर दिया गया है। और यह भारत की एकता और अखंडता में जो है योगदान के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत सरकार ने इस पुरस्कार को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है शुरू किया। और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। ऑप्शन है 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़। करेक्ट आंसर है इसका ए, 1.9 करोड़। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है 1.9 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में जो है 50 लाख जो है बेरोजगार हुए थे। इट मींस इस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें जो है 50 लाख जो है जुलाई में ही लोग बेरोजगार हो चुके थे। और हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जो है जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। और CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में जो है नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं। और क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी जो है खुल रही है, इट मीन्स अब लोगों को जो नौकरियां मिल रही हैं बिकॉज ऑफ धीरे धीरे जो है इकोनॉमी खुलने लगी है। और इसी के साथ देखेंगे CMIE क्या है। CMIE जो है इसकी जो फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है। जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्रमुख व्यावसायिक सूचना कंपनी है। यह जो है मुख्य रूप से स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में जो है 1976 में स्थापित की गई थी। इट मीन्स जो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में की गई थी। और CMIE आर्थिक और व्यावसायिक डेटाबेस का जो है उत्पादन करती है। और यह निर्णय लेने और अनुसंधान के लिए है अपने ग्राहकों को जो है देने के लिए विशेष विश्लेषणात्मक उपकरण भी विकसित करता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जो है किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी या मोहन झा। करेक्ट आंसर है इसका सी, प्रशांत जोशी। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स हैं DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जो है प्रशांत जोशी को जो है प्रबंध निदेशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया है। और वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और CEO जो है उनके सुरजीत शोम को जो है अपनी रिपोर्ट करेंगे। और जो इसे फाउंड किया गया था
DBS बैंक इंडिया लिमिटेड को वो फाउंड किया गया था 1994 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है इसराइल, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है इसका ए, इसराइल। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है भारत और इसराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक जो है सांस्कृतिक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें दोनों देशों के बीच जो है साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्रों को सहयोग में जो है नए दरवाजे खुलेंगे। और इस 3 वर्षीय, इट मीन्स ये 3 वर्षीय जो कार्यक्रम है उसका जो मूल उद्देश्य है दोनों देशों के जो लोग हैं उनके बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून या 15 मार्च। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 20 अगस्त। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल से हर साल जो है 20 अगस्त को जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या जो है अक्षय ऊर्जा दिवस को जो है मनाया जाता है। और इस दिन जो है भारत में अक्षय ऊर्जा जो संसाधन है कोई जो महत्व है उनको चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और भारत जो है सरकार भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से जो है अवगत है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 2004 में की गई थी। अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का जो समर्थन करने और ऊर्जा के जो है पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपये की जो आर्थिक मदद देगी। ऑप्शन है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या 10,000 रुपये। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी जो है कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए थे 22 अगस्त 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी इन्फॉर्म किया गया कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा इस वीडियो का PDF भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।